बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय किचन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से दुआ है आप अपने घरों में खुश हों, शादो आबाद हों। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। तो जी, मैं अपने व्लॉग की आज स्टार्टिंग जो कर रही हूँ वो सुबह के टाइम कर रही हूँ। नाश्ते से पहले ही मैंने रात को भिगोए हुए थे दस्तरखान, तो वो मैंने धोने थे, तो उसके बाद फिर मैंने नाश्ते की तैयारी करनी थी। तो मैंने रात को ही दस्तरखान भिगो के रखे हुए थे सरफ़ वाले पानी में, तो देगची में मैंने पानी डाला, सरफ़ डाला और उसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। उसके अंदर फिर मैंने दोबारा से दस्तरखान निकाल के उसको बॉयल किया और फिर हाथों की मदद से उसको अच्छी तरह धो के साफ करके फिर इसको मैंने डाल दिया सूखने के लिए। तो आज मेरा इरादा था आलू वाले पराठे बनाने का, तो मैंने आलू इसके लिए बॉयल किए। जितनी देर में मैंने दस्तरखान धोए, आलू भी बॉयल हो गए। उसके बाद मैंने पुदीना बना लिया साथ, और पुदीने की चटनी बनाने का इरादा था साथ मेरी, और आलू बॉयल करके पुदीना मैंने बना लिया, उसको मैंने भिगो दिया क्योंकि आजकल बरसात है और उसके अंदर काफ़ी इस तरह की चीज़ें होती हैं गंदी, वो मैंने साफ़ करने के लिए भिगोया था। उसको मैंने एक तरफ एक साइड करके, तो मैंने 3-4 सब्ज़ मिर्चें डाली। सुबह सुबह इतनी ज़्यादा मिर्चें नहीं खाया जाती, तो सब्ज़ मिर्चें मैंने डाली 3-4, और 1 किलो मैंने आलू लिए थे और एक छोटी सी प्याज लेके उसको बारीक काट लिया था, और थोड़ा एक बंच जो इतना सब्ज़ धनिया वो मैंने बारीक काट के डाला, और उसके साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन पाउडर का वो डाल दिया था, और इसके साथ मैंने 1 से 1.5 कुटी हुई जो टेबल स्पून है वो चिली फ्लेक्स डाली थी, और साथ मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाला, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया डाला, और 1/2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लाल पिसी हुई मिर्च थोड़ी सी डाली, और उसके साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून चाट मसाला भी डाल दिया था। चाट मसाला ऑप्शनल है, आपका दिल करे डालें, नहीं दिल करता तो ना डालें, लेकिन मुझे इससे बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है इसका टेस्ट। और 1 बड़ा चम्मच मैंने भर के नमक का डाला था, और वो भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं, आप कम ज़्यादा जितना आपका दिल करे। इसको डाल के उसके बाद मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद फिर मैंने ये चाट मसाला मैं आपको दिखा रही हूँ, शान का मैं चाट मसाला यूज़ करती हूँ। फिर मैंने पेड़े बनाए और उस नाश्ते की मैं तैयारी करने लगी हूँ। बहुत मज़े का चाट मसाले से टेस्ट आता है, आप भी ट्राई करके ज़रूर मुझे बताइएगा कैसे लगता है आपको। पराठे बहुत मज़े के बनते हैं, और आलू इसमें बड़े बड़े नहीं रखने, बहुत अच्छे तरीके से इसको मैश कर देने हैं, तो ताकि ये जब रोटी के अंदर डालें पेड़े के अंदर तो ये फटे ना रोटी। उसके बाद मैंने पुदीने की चटनी बनाई, ये मैंने धो के रखी हुई थी। 3-4 मैंने लहसुन के जोए डाले थे, 2 टमाटर डाले थे, 2 सब्ज़ मिर्चें डाली थी, और थोड़ा सा अनारदाना 1/2 टीस्पून मैंने पीसा हुआ वो डाला था इसके अंदर। तो इसको मैंने पीस लिया था हल्का सा पानी डाल के, क्योंकि मेरे पास कुंडी डंडा जो है ना वो पीसने का टाइम नहीं था कुंडी में, तो मैंने इसको जग में पीस लिया, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के, बल्कि पानी बिल्कुल ना डालें, टमाटर का पानी भी होता है, और इसमें थोड़ा सा नमक डाला, और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर चीनी डाल के, तो इसको मिर्चें इसमें तो 2-3 मैंने सब्ज़ डाली थी ताकि उसकी दूसरी लाल मिर्च पाउडर जो है ना वो डालने का टेस्ट अच्छा नहीं आता। इस तरह की ये चटनी बहुत मज़े की बनती है, तो अनारदाना मस्त है इसमें, आप अनारदाना डालें उससे खट्टा होगा। थोड़ा सा 1 मैंने लेमन भी डाला था, तो वो डाल के इसको मैंने साइड में कर दिया था। उसके बाद मैंने छोटे छोटे पेड़े बनाने शुरू कर दिए, और आलू वाली रोटी बनाने की मुझे इतनी प्रैक्टिस है, मैं 10 मिनट में इसको बना के फारग हो जाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी मैं बनाती हूँ। और साथ साथ मैं बना के तो मैंने देना शुरू कर दी, मैंने कहा आप गरम गरम खाएं, और साथ दही का रायता था, साथ ये चटनी थी, और आलू वाले गरम गरम पराठे। कभी कभी बहुत मज़ा आता है क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट ही उठते हैं, और
कभी कभार इस तरह की हैवी चीज़ बनानी हो तो फिर लंच और जो ब्रेकफास्ट है हमारा एक ही हो जाता है। उसके साथ ही मैंने चाय भी बनाई थी और जो है ना फिर 4-5 बजे हम लोग चाय या थोड़ा सा स्नैक्स दोबारा से ले लेते हैं और फिर रात का डिनर ही होता है हमारा। और मैंने अपने लिए ब्रेड गरम की थी और साथ मैंने एक अंडा फ्राई किया था, वो मैंने खाया था और बाकी सबको मैंने पराठे बना के दिए थे। मैं सुबह सुबह ये आलू वाले पराठे नहीं खा सकती, मुझे हजम भी नहीं होते, स्टमक प्रॉब्लम है, इस वजह से मैंने अंडा और ब्रेड ले ली थी। कभी कभी बहुत दिल करता है कि सुबह के टाइम कोई हमें नाश्ता बना के दे और हम लोग बैठ के खाएं, लेकिन बच्चों वाली माएँ जो होती हैं और उनको अक्सर ही मैंने देखा है सुबह के टाइम बिल्कुल खुद ही नाश्ता बनाना पड़ता है, खुद ही करना पड़ता है। तो बस यही ज़िंदगी है और इसी का नाम ज़िंदगी है। कभी वो भूल गए जब बचपन में हमें माएँ बना के देती थी, आज हमारे बच्चे हम लोगों से अपनी फरमाइशें करते हैं। तो जी ये रात का टाइम है, रात को मैंने जो मेरे पास एक दिन पहले का सालन पड़ा हुआ था, आलू गोश्त मैंने बनाया था, तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ, फिर मैंने यही मेरे दिल में आया कि इतना सालन है इसको ज़ाया तो नहीं कर सकती, इसको इसके अंदर मैं चावल डाल के इसकी पुलाव टाइप समझ लें या बिरयानी समझ लें वो मैं बना लेती हूँ। तो जी इसके लिए फिर मैंने छोटा सा प्याज लिया, उसको बारीक काट लिया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला क्योंकि सालन के अंदर ऑलरेडी ऑयल था, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको फ्राई कर लिया। जब थोड़े से ब्राउन हो गए तो इसमें मैंने पानी डाल लिया, छींटा डाला और इसका कलर जो निकाला, और एक टमाटर मैंने काट के रखा हुआ था, एक सब्ज़ मिर्च काट के रखी थी वो मैंने साथ डाल दी, क्योंकि टमाटर वगैरह सब कुछ उसके अंदर ऑलरेडी वो जो सालन था बना हुआ वो उसमें डले हुए थे। और उसके बाद मैंने जो अपने टेस्ट के मुताबिक जो मैंने चीज़ें डालनी थी वो मैंने डाली, नमक थोड़ा सा डाला था, थोड़ी सी लाल मिर्च कुटी हुई डाली थी, सूखा धनिया पिसा हुआ थोड़ा सा डाला था और ज़ीरा मैंने ऐड किया था। ज़ीरा मुझे बहुत अच्छा लगता है सालन में भी और चावलों में भी, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ। इसका थोड़ा सा जब मसाला हो गया और तो फिर मैंने इसके अंदर सालन ऐड कर दिया था, सालन को मैंने भूना नहीं और साथ ही मैंने थोड़ा सा ही बिल्कुल पानी डाला था, और मेरे पास थे 2 गिलास चावल तो तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा थे, तो वो मैंने डाल के, और पिसा हुआ गरम मसाला भी मैंने डाला था थोड़ा सा। इसमें जितनी ज़रूरत है उतने मसाले तो मैंने डालने ही थे, वो डले, और क्योंकि चावलों में थोड़े से ज़्यादा डलते हैं, सालन में हम लोग कम डाले होते हैं हमने, तो टेस्ट के मुताबिक जितना भी जो चीज़ें डालनी थी वो मैंने डाल दी। उसके बाद टमाटर मैंने हल्के हल्के इसको चम्मच की मदद से इसको मैंने पीस लिया था ताकि मसाला बनने तक ये टमाटर इसके अंदर मैश हो जाए। कोई भी इस तरह का सालन हो आप अपनी सोच के मुताबिक अपनी समझ के मुताबिक जो भी है उसको ज़ाया ना करें, उसको इस्तेमाल में ले आया करें, क्योंकि अल्लाह ताला का रिस्क है, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। और मैं तो इस तरह ही अक्सर करती हूँ, या दूसरे दिन खा लेती हूँ तो, या फिर इस तरह चावलों में डाल लिया, कुछ इसी तरह ही कर लिया। तो ये सारा बहुत मज़े का पुलाव बना था, खट्टा नहीं मैंने किया इसको ज़्यादा, ना मैंने कोई इस तरह की जी बिरयानी मसाला डाला या इस तरह का, सिंपल सा मैंने बस बनाया था और बहुत मज़े का अल्हम्दुलिल्लाह बना था। तो इसके अपने पानी में चावल पके थे, कोई मैंने पानी इसके अंदर ऐड नहीं किया और कुछ भी इस तरह का ऐड और नहीं किया, बस इसी में मैंने चावलों को दम लगा लिया था। तो जी आज है जुम्मा और ये मेरा व्लॉग एक दिन पहले का था जो मैंने शूट किया हुआ था, तो आज मैंने सोचा सुबह उठी हूँ तो मैं पहले वॉइस ओवर करके अपना जो व्लॉग है आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, उसके बाद फिर कोई और जो सारे दिन के काम है वो मैं करूँ। आज मैंने जो था ना जुम्मे की नमाज़ की, उसके बाद मैंने तैयारी भी करनी थी, तो जल्दी जल्दी से मैंने अपना व्लॉग जो है रेडी किया, क्योंकि डेली बेसिस पर मेरी कोशिश होती है मैं अपना जो व्लॉग है आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और ये पानी बॉयल हुआ है, उसका शोरबा बॉयल हुआ है, तो मैंने उसके अंदर फिर चावल डाल दिए और इसी के पानी में मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था।
अच्छा जी, मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन के बटन पर ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे। आप लोग मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। और ये देखें, चावल भी पक गए हैं, उसको मैं 10 मिनट के लिए दम लगाऊंगी हल्की सी आंच पे। उसके बाद फिर मैं, ये फ़ाइनल लुक है मेरे चावलों की। अच्छा जी, पॉजिटिव रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। जाते जाते अल्लाह हाफिज़।